तो दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि भारत में पहली बार F-16 फाइटर जेट आने वाले हैं और ये फाइटर जेट होंगे टर्की के पड़ोसी ग्रीस के। जी हाँ, इस समय ग्रीस और भारत के बीच की जो केमिस्ट्री है वो अलग लेवल की जा चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भूमध्य सागर के डिप्लॉयमेंट पर था भारत का एक वॉरशिप जो था INS चेन्नई, और वो भूमध्य सागर के डिप्लॉयमेंट के दौरान ग्रीस पहुंचा जहां पर उसका भव्य वेलकम हुआ। इसके बाद अब नंबर आता है ग्रीस का, जो कि भारत आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसके लिए सितंबर मंथ चुना गया है जब भारत के अंदर होने जा रहा है एक युद्धाभ्यास, जिसमें भाग लेने के लिए ग्रीस की वायुसेना भी आएगी और सबसे बड़ी बात कि वो F-16 लेकर आएगी। और इस तरह से F-16 भारत में पहली बार आने वाले हैं। चलिए आइए जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो F-16 की बात की जाए तो लंबे समय से पाकिस्तान इनका उपयोग करते आ रहा है, और भारत की अगर बात की जाए तो F-16 का कोई भी ऐसा यूजर नहीं था जो कि भारत के बहुत ज्यादा क्लोज हो, भारत को इसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी दे दे और केवल इसे दूर से ही देखकर इसके बारे में जानकारी निकाल कर इसे काउंटर करने के लिए प्रिपरेशन चलती थी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत के पास जो मेन फाइटर जेट थे उनके बारे में काफी हद तक जानकारी उसके पास मौजूद थी। जैसे कि मिराज ले लीजिए, मिराज 2000 हम लोगों ने F-16 को काउंटर करने के लिए ही लिया था, लेकिन मिराज फाइटर पाकिस्तान के पास भी है। वेरिएंट थोड़ा सा अलग है लेकिन काफी हद तक जानकारी उसके पास ऑलरेडी थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे पास जो रशियन फाइटर जेट थे उनकी जानकारी हर हाल में चाइना द्वारा पाकिस्तान को मिली जाया करती थी। तो अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना इतनी ज्यादा भी सीक्रेट नहीं बची थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान का F-16 भारत के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबक तो बना था और काफी लंबे समय तक उसने वाकई में डोमिनेंस भी हासिल करके रखी, क्योंकि भारत को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना F-16 कभी भारत आया और ना ही भारत का ऐसा कोई मित्र राष्ट्र उस समय था जो कि F-16 का ऑपरेटर हो और भारत को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देते। लेकिन जब से भारत और ग्रीस के संबंध सुधरे हैं उसके बाद से ये सारी समस्याएं हमारे लिए दूर हो गई है। F-16 की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ टर्की भी इस्तेमाल करता है, और टर्की पाकिस्तान इस समय दोनों मिलकर भारत के खिलाफ जिस हिसाब की साजिशें कर रहे हैं हर हाल में काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत और ग्रीस मिलकर इन दोनों के गुट को काउंटर करें। इसी के तहत भारत और ग्रीस के बीच में संबंध लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये संबंध इम्प्रूव होते होते अब युद्धाभ्यास तक पहुंच चुके हैं और काफी जल्द इन्हें डिफेंस कॉपरेशन के लिए और डिफेंस डील्स के लिए भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारत के अंदर युद्ध अभ्यास होने जा रहा है जिसको नाम दिया गया है तरंग शक्ति, और इसी युद्ध अभ्यास के दौरान ग्रीस की वायुसेना पार्टिसिपेट करेगी अपने F-16 के साथ। हालांकि कुछ समय पहले ग्रीस के अंदर भी इस तरह का एक आयोजन हुआ था और वहां पर भी भारतीय वायुसेना पहुंची थी, तो F-16 को लेकर अब उतनी जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं बची है। और वैसे भी हमारे पास इस समय रफाल आ चुके हैं, इन फ्यूचर एमका और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट होंगे, तो हमें अब वैसे ज्यादा जरूरत है भी नहीं कि F-16 के बारे में ज्यादा विचार किया जाए, उसे काउंटर करने की तैयारियां की जाए, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि पाकिस्तान टर्की के खिलाफ भारत और ग्रीस के बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफी ज्यादा फल फूल रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।